Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do EVS. And in EVS, which chapter were we doing? We were doing chapter number 6. Okay? Chapter number 6. And what is the name of chapter number 6? So, name of chapter number 6 is Air Around Us. So, students, today we will do some fill-ups of this chapter. We are going to do some fill-ups of chapter number 6, Air Around Us. So, students, let's start. Air is a dash thing. Air is a dash thing. अब जो air है वो कैसी चीज है? Air is a dash thing. Air is a natural thing. Air कैसी thing है? Natural है. ये man-made नहीं है, इसको हमने नहीं बनाया है, एयर को इंसानों ने नहीं बनाया है. ये कैसी चीज है, कैसे थिंग है? ये नेचुरल है. न नेचुरल. यहाँ पर टी का साउंड टी यू को हम बोलेंगे चू. ओके, नेचुरल. सो स्टूडेंट्स, एयर इज अ नेचुरल थिंग. Dash and dash are two main gases present in the air. आपको क्या बतानी है? आपको यहाँ पर two gases के name बताने हैं जो air में present होती हैं. वैसे तो air में बहुत सारी gases होती हैं. Air क्या होता है? Mixture of gases होता है. बहुत सारी इसमें gases क्या होती हैं? Mix होती हैं. लेकिन इसमें टू जो है वो मेन गैसेस हैं, और वो टू मेन गैसेस कौन कौन सी हैं? नाउ लेट अस सी. फर्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन. सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस की जरूरत होती है? वी नीड ऑक्सीजन. और दूसरी मेन गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड. क आ रकार ब अन बन. कार्बन डाई डी आई डाई ऑक्स आइट. क आ रे कार ब अन बन. कार्बन ड आई डाई ऑक्स ऑक्स आइड ए कार्बन डाइऑक्साइड. सो कौन सी है वो टू मेन गैसेस? ऑक्सीजन एंड द सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टू मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड टू मेन गैसेस है. वैसे तो एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन जो टू मेन गैसेस है वो कौन सी हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और हमें ब्रीथिंग के लिए किसकी नीड होती है? हमें ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है. नाउ स्टूडेंट्स, नंबर 3 इज स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड. स्लो मूविंग, जो हवा कैसे मूव करती है? स्लोली. एक हवा तो होती है जो बहुत फास्टली मूव करती है, जैसे कि जब आंधी आती है हवा बहुत तेज चलती है. लेकिन जो बहुत धीरे धीरे हवा चलती है उस एयर को हम क्या कहते हैं? ब्रीज.
बर इज ए ब्रीज, बर इज ए ब्रीज। सो स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। We must grow more plants to keep the air fresh. हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? To keep the air fresh, हवा को कैसा रखने के लिए? Clean, clean, clean। हमें बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए हवा को क्लीन करने के लिए, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये जितने भी डर्टी पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, इनको अपने अंदर क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, अपने अंदर बंद कर लेते हैं। और जब ये सारे गंदे पार्टिकल्स को अपने अंदर बंद कर लेते हैं तो उससे क्या होता है? एयर ऑटोमेटिकली क्लीन होने लगती है। ओके, अब जो गंदे पार्टिकल्स है वो हम हवा में जाकर मिलेंगे ही नहीं, तो हवा गंदी भी नहीं होगी। सो वी मस्ट ग्रो मोर प्लांट्स टू कीप द एयर क्लीन। फिफ्थ, ब्रीथिंग डर्टी एयर इज हार्मफुल फॉर आवर डैश। जब हम डर्टी एयर को जब हम इनहेल करते हैं, एज यू ऑल नो दैट हमें ब्रीथिंग के लिए एयर की नीड होती है, एयर की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हमें एयर जो है वो गंदी मिल रही है, डर्टी एयर मिल रही है, डर्टी एयर से हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो वो जो गंदी एयर है वो हार्मफुल है हमारे लिए, हमारे किसके लिए? हमारी हेल्थ के लिए। A, L, Th, H, A, A, L, Th, हमारी हेल्थ के लिए डर्टी एयर से जो हम ब्रीथिंग करते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। उससे क्या होता है? उससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है। एयर हैज No dash and dash. Air has no dash and dash. Air में क्या नहीं होता? Okay, air का क्या नहीं होता? Air की कोई shape नहीं होती। क्या आपने कभी कोई air देखी है? या आपने कभी किसी को ऐसे कहते हुए देखा? अरे आज ना मैंने येलो कलर की air देखी। और ना ही इसका क्या होता है? Color. या फिर आपने कभी किसी को ऐसा कहते हुए सुना हो कि मैंने ट्रायंगल शेप की हवा देखी है, मैंने सर्कल हवा देखी है? नो। या फिर मैंने पिंक कलर की हवा देखी है? नो। सो एयर हैज नो शेप, एयर की कोई शेप नहीं होती। श ए प ए शेप, नो शेप एंड कलर। एयर हैज नो शेप एंड कलर। Plants and animals also need air for dash. अब जितने भी plants होते हैं, animals होते हैं, इन्हें किसकी ज़रूरत होती है? Air की ज़रूरत होती है। और air की ज़रूरत इन्हें क्यों होती है? For breathing, ब्रीथिंग के लिए। क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स भी सांस लेते हैं और उन्हें भी सांस लेने के लिए किसकी नीड होती है, किसकी जरूरत होती है? एयर। नाउ योर लास्ट फिलअप इज वी नीड डैश फॉर ब्रीथिंग। हमें सांस लेने के लिए किसकी नीड होती है? नीड मतलब जरूरत होती है। सो वी नीड
air for breathing. We need air for breathing. So students, you have to write these fill-ups in your EVS Fair notebook. You have to write date in classwork, and in the first line you will write chapter number 6. In the second line you will write air around us, and then you will write fill-ups, and after writing fill-ups you will start this work, okay? And yes, your handwriting should be very good. You have to touch all the lines while writing. So you have to do this work in your EVS Fair notebook, and you have to learn it as well with spellings. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.